Assalamu alaikum audience, this is Sufyan. Welcome back to something new. To your boys, कैसे हो आप लोग? I hope कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार. भाई जो है आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाता ला रहा है और ब्लॉग्स वगैरह भी बना रहा हूँ मैं. तो यार आज जो है मैं एक नए खिलौने के साथ आया हूँ. ये एक गेमिंग स्टेयरिंग व्हील है. इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को सेटअप वगैरह करके दिखाऊंगा और डिफरेंट गेम्स के साथ ट्राई भी करेंगे. तो बने रहो और वीडियो पूरी देखना. वीडियो लाइक ज़रूर करना यार और चैनल सब्सक्राइब करना. बाकी ये मेरा रिव्यूइंग चैनल नहीं है. मैं अक्सर औकात चीज़ें अनबॉक्स करता हूँ तो इसको भी अनबॉक्स कर रहा हूँ. अब रिव्यू तो मैंने अभी मंगवाया है तो ये ट्राई नहीं किया, तो इसीलिए जो है मैं इसको फिलहाल फाइनली जो है अनबॉक्स ही कर रहा हूँ. उसके बाद लगा के देखेंगे तो रिव्यू भी थोड़ा बहुत वहीं पे पता पड़ जाएगा और उसकी मैं आपको सेटिंग वगैरह भी बताऊंगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ये ब्लेड जो है मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ है और जो है ब्लेड को मैं साइड कर देता हूँ. ब्लेड किसी काम का नहीं है. बाकी इसको जो है मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ. और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी और इस तरह इन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके भेजा था. मैं इसको इसमें से नहीं निकालता, एक काम करता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो जाएगा तो मैं यहीं से इसको ओपन करके चीज़ें बाहर निकाल निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ. ठीक है बॉयज़, तो ये जो है मैंने इसका बॉक्स खोल दिया. अब ये इसके अंदर इसका कॉन्टेंट है आप लोग देख सकते हो. सबसे पहले जो है इसकी ये मैनुअल है, कुछ पेपर वर्क है. इसको हम बाद में देखेंगे, इसको मैं ज़रा साइड पर कर देता हूँ. और ये जो है इसकी कोई केबल वगैरह है. ये माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी ए है. ये जो है बॉयज इसका स्टेयरिंग है. मैं इसको जरा साइड पे रखता हूँ. उसके बाद बॉक्स साइड पे करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. ये इसके कुछ एक्स्ट्रा जो है उसको सक्शन के लिए होते हैं. ये जैसे ये स्टेयरिंग है ना, जो ये चिपक गया उस पर हमारी टेबल वगैरह पे अपने सरफेस पे. ये जो है ये इसकी खाली है. ये कोई यहाँ पे कार्ड वगैरह है, गारंटी कार्ड है. और ये जो है शिफ्टर है, देख सकते हो. इसको मैं खोलता हूँ अभी. इसमें से एक और बॉक्स निकला है, इसमें देखते हैं क्या है. ये जो है इसके क्लैंप्स हैं, आई थिंक ये स्टेयरिंग के क्लैंप्स हैं. उसके बाद फाइनली हमारे निकले हैं इसमें से ये पेडल्स, चेक कर सकते हो. अब ये बॉक्स में बड़ा वाला साइड कर देता हूँ और ये मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि इसमें से क्या क्या चीज़ें निकली हैं. ठीक है बॉयज, ये है बेसिकली मेन बॉक्स कंटेंट सारा. तो सबसे पहले जो है स्टेयरिंग देख लेते हैं. इसको मैं जो है इसका ये रैपर वगैरह उतारता हूँ. ओके, सो ये है बॉयज स्टेयरिंग जो है हमारा PXN का. बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है. ये इसकी केबल है, ये इसमें शॉपर में रैप हुई हुई है. इसको मैं खोलता हूँ और इसको बाद में देखता हूँ. और ये इसके साथ पेडल शिफ्टर वगैरह हैं, ये सारे बटन हैं, ये डी पैड वगैरह और ये XY AB. इसमें अब एक ज़बरदस्त सा फंक्शन है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली तो आगे जाके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसमें एक चीज़ आपको समझा देता हूँ. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड पे खेलना है या आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड में रेसिंग करनी है तो उसके लिए ये 270 डिग्री पे लॉक है, आप देख सकते हो. ठीक है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो इससे ज़्यादा आगे रोटेट नहीं हो रहा. अब आपको हैवी सिमुलेशन गेम करनी है, जैसे यूरो ट्रक सिमुलेटर हो गया, बस सिमुलेटर, या लाइक स्नो रनर हो गया, या आपको स्लो मोड में गाड़ी चलानी है और आप चाह रहे हैं कि मुझे फुल सिमुलेशन मोड मिले, तो इसमें यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया हुआ है. आप लोग देख सकते हो ये बटन दिया हुआ है ना, इस बटन से आप चेंज कर सकते हो इसको 900 डिग्रीज पे. अब ये मैंने यहाँ से बटन को इधर कर दिया तो ये 900 डिग्रीज पे चेंज हो गया. अब इसमें ये फंक्शन आ गया, ये चेक करो, बिल्कुल रियल 900 डिग्रीज तक आपका स्टेयरिंग घूमेगा. और ये मैकेनिकली सेंटर्ड है. ठीक है, मतलब आप इसको घुमा के कहीं भी छोड़ोगे तो ये मैकेनिकली खुद ही सेंटर हो जाएगा. चेक कर रहे हो वॉइस, और इसमें वाइब्रेशन का फीडबैक भी है. अब मान लिया कि ये लॉजीटेक के मुकाबले का नहीं है. लॉजीटेक जो है काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स हैं और नो डाउट वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है इसमें से भी आपको मिलेगी. ठीक है, वर्थ इट है, मनी वर्थ इट है. ये मतलब यूजलेस चीज़ नहीं है. इसको मैं ज़रा कर देता हूँ साइड पे. उसके बाद आते हैं भाई हमारे ये पैडल्स. एज ऑलवेज आप लोगों को भी पता होगा इसकी केबल है. ये एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया और ये क्लच हो गया.
इनका रिस्पॉन्स भी मैंने जो सुना है रिव्यूज़ वगैरह में बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस अब मैं खुद चेक करता हूँ। और इसमें एक सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास जगह थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसको अपनी, या आपकी फुट ग्रिप है इस पर आप अपने पाँव रख के बहुत ईजीली जो है इन पैडल्स को मैनेज कर सकते हो, वरना आप ना यूज़ करना चाहो तो ऐसे इसको अंदर फोल्ड भी कर दो और अपनी ये केबल इसमें लगा के जो है अपना शटका ले सकते हो। ठीक है बॉयज़, उसके बाद भाई फाइनली आता है हमारा ये शिफ्टर जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और ये ऐसे समझो है तो 6 स्पीड ट्रांसमिशन, 7th गियर जो है इसका रिवर्स है। ठीक है, अब ये तो उसमें मैं लगा के ही टेस्ट करूँगा, मुझे लगा के ही पता पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ये बेसिकली यूँ सीधा है, ये इसमें पार्किंग का है और ये हाई लो गियर्स का है, चेक कर सकते हो आप। बहुत अच्छी फील है और ज़बरदस्त फील है, जब इसमें हम गेम करेंगे और सब कुछ होगा तो आगे रेस्पॉन्स का भी पता पड़ेगा। और ये इसमें क्लैंप दिया हुआ है इसका, इसको टेबल में फिट करने का। ये जो दो क्लैंप्स हमें मिले हैं ये स्टेयरिंग के क्लैंप्स हैं, ये मैं अभी हैंड टू हैंड इसमें फिट करता हूँ, उसके बाद आपको टेबल पे लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, और ये जो है इसके कुछ सक्शन के कप्स हैं जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर ख़राब हो जाए या क्या तो ये वाले इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। अब ये माइक्रो USB की केबल इन्होंने किस पर्पज़ के लिए दी हुई ये मैं थोड़ा स्टडी करूँगा तो मुझे पता पड़ जाएगा। फिलहाल मैं इसमें जो है स्टेयरिंग में क्लैंप लगाता हूँ, उसके बाद आगे अपना सेटअप करते हैं। तो यार जल्दी से जाओ जाके चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो, ऐसी मैं आगे काफ़ी सारी और दूसरी चीज़ें भी लाता रहूँगा, तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा अच्छा इसका आने वाला है चैनल पे और आ ही रहा है, आप लोग देख सकते हो जैसा कि जाके दूसरी वीडियो भी। अब मैंने ये वाला जो है यूज़ कर दिया, उसमें एक लगाता हूँ, एक मैं लगाऊँगा, एक की जो है एक को जो है मैं स्किप कर दूँगा, वो आप लोग समझ जाना। ठीक है, ये इसमें लग गया है बॉयस, चेक कर सकते हो, ये कहीं नहीं जाएगा, ये बहुत स्टिफ है, हार्ड है। ठीक है, अब इसको आप सिंपली बस टेबल पे लगा के स्टेयरिंग को फिट कर सकते हो और उसके बाद जो है आपका काम हो गया। अब मैं इसमें ये दोनों लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली बॉयज़ मैंने जो है दोनों क्लैंप्स इसमें लगा दिए हैं इसके टेबल के, अब मैं इसको जाकर टेबल पर सेट करता हूँ। अब ये स्टेयरिंग सीधा नहीं होगा क्योंकि इस पर क्लैंप्स लग गए ना, अब ये टेबल पर यूँ लगेगा तो फिर ये मुझे इसकी परफेक्ट पोजिशन मिलेगी इसको यूज़ करने की। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये पेडल शिफ्टर्स मैंने आपको नहीं बताया, ये स्टेयरिंग में ही दिए हैं और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आप स्टेयरिंग जैसे ही टर्न करोगे या रोटेट करोगे तो ये उसके साथ ही रोटेट होंगे, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसको मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी चेक करता हूँ, उसके बाद 2-3 गेम्स पे भी आपको करके दिखाता हूँ और जो है इसको मैं फिट भी करता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें टेस्ट करवाता हूँ। ठीक है बॉयज, तो जाके यार दोबारा से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, सो लेट्स डू इट। इसको कनेक्ट कर लिया अपने सिस्टम के साथ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत फीजेबल हो गया है। यहाँ जो है मैंने नीचे पेडल्स रख दिए हैं और ये मैंने यहाँ पे अपना शिफ्टर फिट किया है। ठीक है, ये हैंडी है मेरे लिए बहुत फिलहाल इस वक्त। स्क्रीन मैंने थोड़ी ऊपर कर दी है, ये वाली स्क्रीन, नीचे मेरे पास 2 मॉनिटर हैं बेसिकली। और ये सिस्टम बना हुआ आपके भाई का, इसको भाई जो है अच्छी तरह रिव्यू करेगा आगे जाके वीडियोज़ में, लेकिन अभी बहुत OP सिस्टम बना हुआ है, अच्छा मतलब गेमिंग के हिसाब किताब है ना। अब ये है इनकी V9 वालों की ऐप, ये मैंने इसमें कनेक्ट की है और मैं आपको कैलिब्रेशन दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो जैसे मैं स्टेयरिंग को इधर उधर मूव कर रहा हूँ उसके साथ वो भी मूव हो रहा है। अब ये कह रहा है क्लच की वैल्यू, यहाँ से मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर जो है इधर क्लच भी प्रेस हो रहा है, ब्रेक भी प्रेस हो रहा है, एक्सीलेटर भी प्रेस हो रहा है। ठीक है, अब मैं ऐप को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पे इसके ये सारे बटन्स की टेस्टिंग है। ठीक है, ये आप पेडल शिफ्टर देख सकते हो, L1 भी काम कर रहा है, R1 भी काम कर रहा है, इस तरह ये इसके सारे बटन्स यहाँ पे चेक करने का एप्लीकेशन में बहुत एक अच्छा सिस्टम है। और हम हर चीज़ को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं वाया एप्लीकेशन। ठीक है, अगर मैं ऊपर तो मैंने आपको इनकी कैलिब्रेशन दिखा दी, यहाँ पे इनकी प्रेसिंग भी दिखा देता हूँ, ये देखो क्लच, एक्सेलरेटर और ये ब्रेक। ठीक है, अब ये गियर्स हैं, यहाँ से मैं ये गियर्स प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी सारे बटन्स काम कर रहे हैं। तो अब जो है मैं आपको ये गेम पे भी टेस्ट कराता हूँ, और उससे पहले जो है मुझे एक चीज़ दिखानी थी कि ये चीज़ आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं इधर से डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये PX and V9 शो हो रहा है। ठीक है, मैं गेम कंट्रोलर सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे ये सारा सिस्टम आ गया। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, मैं स्टेयरिंग को यहाँ घुमा रहा हूँ तो वहाँ स्क्रीन पे जो है मूवमेंट हो रही है, देख रहे हो। यहाँ से आप जो भी बटन वगैरह चेक करोगे, टेस्ट करोगे, हर चीज़ आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन अब इसको हम करेंगे कैलिब्रेट, अब मैं इसको थोड़ा सा कैलिब्रेट करता हूँ किसी गेम के साथ, उससे बाद डायरेक्ट आपको जाके गेम में दिखाता हूँ कि हमारा स्टेयरिंग वगैरह कैसा काम कर रहा है। सो लेट्स गो। सो वॉइस, फाइनली मैंने जो है इसको यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 के साथ कनेक्ट कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा ट्रक है, ये मेरा परचेज किया हुआ ट्रक है, काफ़ी अर्से से मैंने गेम नहीं खेला तो मैं इस गेम को मैं भी खेलूंगा, रियल सिमुलेशन है।
अब अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो यार इसमें नाइट है, मैं इसको डे नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे काफी वेट करना पड़ता। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा जबरदस्त काम कर रहा है, पूरा स्टेयरिंग टर्न हो गया देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ रोटेट कर रहा हूँ तो उसके टायर यहाँ रोटेट हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से जो है 270 डिग्री पे टर्न करता हूँ तो वो फील ही नहीं है सिमुलेशन में, देख रहे हो। तो हल्का सा मैंने घुमाया तो वहाँ टायर जो है पूरा रोटेट हो गया। ठीक है, इस तरफ घुमा रहा हूँ तो पूरा रोटेट। अगर 900 डिग्रीज पे कर देता हूँ तो बिल्कुल ही रियल हो रहा है, चेक करो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। और ये मुझे एक टास्क मिला हुआ, ये ट्रेलर कनेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेलर है तो इसको ज़रा कनेक्ट करते हैं। अब आप लोग मेरा गेम प्ले भी थोड़ा सा देख लो कि मैं बिल्कुल ही रियल और शिफ्टर के साथ प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्लच पकड़ा, जैसे चलता है अपन वैसे ही खेल रहे हैं। ये मैंने यहाँ से रिवर्स लगाया और अब रिवर्स लग गया, अब आराम आराम से एक्सीलेटर देते हैं और पीछे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रक को लेके और सिंपली इसको यूं इसके साथ इधर कनेक्ट कर देना मैंने। अब मैं कैमरा अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, टायर्स आपको नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो ये कनेक्ट हो गया भाई, टी से कनेक्ट करना है। ये मैंने टी से कनेक्ट कर लिया अपना ट्रेलर, चेक कर सकते हो। सॉरी फॉर अंधेरा यार, नज़र नहीं आ रहा। खैर मैं इसको बाहर लाइट में लेके चलता हूँ तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ। या आप लोग देखना चाहो तो मुझे भले फॉलो कर दो या फिर वीडियो आगे कर देना। ठीक है, सॉरी फॉर यार अंधेरा, सो लेट्स गो। अब मैंने पहला गियर लगाया है, अब मैं आराम आराम से इसको लेके चलता हूँ। पूरी सिमुलेशन की वीडियोज जो है ना मैं वो बनाऊंगा अलग से, लेकिन अभी जो है मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ स्टीयरिंग व्हील और इसका शशका। चेक कर सकते हो बॉयज कितना वास्ट एक्सपीरियंस है और कितना मजेदार है। अब जरा थोड़ा सा ट्रक अंदर से चलाता हूँ मैं, सो लेट्स गो। ये अंदर से आ गए, इंजन नॉइज वगैरह भी कम है, बिल्कुल ही रियल है यार, चेक करो। यहां पे रुका के अब मैं आप लोगों को जरा दिखाता हूं। अब मैं ट्रक कर देता हूं अपना न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल हो गया। अब यहां पे आराम से ब्रेक लगाते हैं और हम इधर रुक जाते हैं। कैमरा मैंने कर दिया बाहर से, अब चेक करो काफी बड़ी डिलीवरी मुझे मिली है और ये मैंने स्टेयरिंग से पूरी करनी है। अब यहां से भी अगर आप देखना चाहो तो चेक कर सकते हो, व्हील्स मैंने आपको दिखा रहा हूं, क्या रियलिटी है यार, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आएगा खेलने में। उसके बाद फोर्जा हॉरिजन भी खेलेंगे, आगे बस सिमुलेटर भी खेलेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और चेक करो, फोर्जा में आ गए, फोर्जा हॉरिजन 5 में, चेक कर सकते हो। ये गाड़ी है, वाइपर चल रहा है क्योंकि जो है बारिश हो रही है। मैं आपको स्टीयरिंग चेक कराता हूँ, देख रहे हो। इसको मैं 270 डिग्रीज पे खेल रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर सिमुलेशन मोड पे खेल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अगर मैं इसको 90 डिग्रीज पे करता हूँ तो आप लोग स्टीयरिंग देख लो, होगा रियल की तरह, लेकिन काफ़ी लेट वो हो रहा है। ठीक है, और पूरा नहीं ले रहा जब भी। तो इसको अगर मैं 270 डिग्री पे खेलता हूँ और ये मैं गेम स्पीड में खेलूंगा स्पोर्ट्स मोड में, तो इस पर वही वर्किंग अच्छी काम कर रही है। और एक और बात कि इसको मैं पेडल शिफ्टर के साथ खेल रहा हूँ, शिफ्टर मैंने फिलहाल कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो अब ये पहले गियर में गाड़ी, अगर मैं यहाँ से शिफ्टिंग डाउन करता हूँ तो रिवर्स पे आ गई। अब मैं यहाँ नीचे से एक्सीलेटर करता हूँ, पेडल्स में अपने वही वाले यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से एक्सीलेट करता हूँ तो गाड़ी पीछे जा रही है। ठीक है, मैं शिफ्टर प्रेस किया, गियर 1 में आ गया, अब आ गया। सो नाउ लेट्स गो। अब यहाँ से गियर 2, जब मुझे शिफ्ट करना है तो वहाँ बता भी रहा है। ठीक है, चेक कर सकते हो बॉयज, आहिस्ता आहिस्ता आपके भाई का हाथ भी सेट हो जाएगा इस पे, फिर मजा आएगा। स्टेबिलिटी आराम आराम से आएगी ना, अभी हाथ में भी क्या है कि फर्स्ट टाइम स्टीयरिंग मैंने भी पकड़ा है तो इस पे थोड़ी सी मुझे सेटिंग बनानी पड़ेगी, समझ लो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी चेक कर सकते हो। शिफ्टिंग गियर वगैरह इसमें शिफ्टर काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सही खेल रहा हूँ। तीसरे गियर में गाड़ी चल रही है। अब आगे सीधा रोड है, मैं आप लोगों को जरा, अच्छा ये वाइब्रेशन भी कर रहा है, उप सॉरी, ये वाइब्रेशन भी कर रहा है जो है, मुझे इसका फीडबैक भी मिल रहा है। फोर्स फीडबैक नहीं है लेकिन वाइब्रेशन है, उस पर आपको एरर्स वगैरह पे आप जो गलती वगैरह करते हो तो उस पर आपको वाइब्रेट करके हाईलाइट कर देता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यार बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक जो है, मैंने इसको ट्राई किया है। आगे अब मैं वेबकैम लगा के आप लोगों को सेटअप भी दिखाया करूँगा, उसके बाद जब हम गेम प्ले किया करेंगे तो एक बहुत ही समझ रहे हो मज़ा आएगा। सो अब चेक कर सकते हो, अब मैं गाड़ी रुका दी, यहाँ से मैं शिफ्टिंग डाउन कर रहा हूँ तो ये रिवर्स में आ गई और ये फर्स्ट गियर, सही ना बॉयस। सो यार इसी खुशी में चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो,
तो भाई आपसे मिलेगा अगली किसी इसी तरह की अच्छी वीडियो में। गेमिंग वीडियोस तो आती रहेंगी, तो कर दो यार लाइक और चैनल थोड़ा ग्रो कराने में हेल्प करो, तो और ज़्यादा अच्छा अच्छा इक्विपमेंट लाते रहेंगे, सेटअप जो है वास्ट करते रहेंगे, तो मज़ा आएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।